मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे राजवीर कालेगे। सारागढ़ी की जंग का इतिहास आपके रूबरू कर रहा हूं। आपने ग्रीक, स्पार्टा और पर्शियन की लड़ाई के बारे में सुना होगा। इसके ऊपर 300 से अधिक फिल्में भी बनी हैं। पर अगर आप सारागढ़ी के बारे में सुनोगे तो पता चलेगा इससे महान लड़ाई दुनिया में कहीं नहीं हुई। महान इसे क्यों कह सकते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? बात 1897 की है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट में 12,000 अफगानों ने हमला कर दिया। वे गुलिस्तान और लोखाट के किले पर कब्जा करना चाहते थे। इन किलों को महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था और इस किले के पास ही सारागढ़ी में 100 रक्षा चौकी थी, जहां पर 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 जवान तैनात थे। ये सभी जवान माझा क्षेत्र के थे और सभी सिख थे। 36वीं सिख रेजिमेंट में केवल साबत सूरत जो केसधारी हों सिख भर्ती किए जाते थे। ईश्वर सिंह के नेतृत्व में तैनात इन 20 जवानों को पहले ही पता चल गया था कि 12,000 अफगानों से जिंदा बचना नामुमकिन है। फिर भी इन जवानों ने लड़ने का फैसला लिया और 12 सितंबर 1897 को सिखलैंड की धरती पर एक ऐसी लड़ाई हुई जो दुनिया की 5 महानतम लड़ाइयों में शामिल हो गई। एक तरफ 12,000 अफगानी थे तो दूसरी तरफ केवल 21 सिख। यहां बड़ी भीषण लड़ाई हुई और 600 से 1400 अफगानी मारे गए और अफगानों की भारी तबाही भी हुई। सिख जवान आखिरी सांस तक लड़े और इन्होंने किले को बचा लिया और अफगान हार गए। जब ये खबर यूरोप पहुंची तो पूरी दुनिया स्तंभ रह गई। ब्रिटेन की संसद में सभी ने खड़े होकर इन 21 वीर जवानों की बहादुरी को सलाम किया। इन सभी को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया, जो आज के परमवीर चक्र के बराबर था। भारत के सैन्य इतिहास का ये युद्ध के दौरान सैनिकों द्वारा लिया गया सबसे विचित्र व अंतिम फैसला था। यूनेस्को ने इस लड़ाई को अपनी 8 महानतम लड़ाइयों में शामिल किया है। इस लड़ाई के आगे स्पार्टन्स की बहादुरी फीकी पड़ गई। पर मुझे दुख होता है कि जो बात हर भारतीय को पता होनी चाहिए, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये लड़ाई यूरोप के स्कूलों में पढ़ाई जाती है, पर हमारे यहां इसे कोई जानता तक नहीं। धन्यवाद दोस्तों।